नमस्कार दोस्तों, भूमि पुत्र मंगल देव 22 जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह मिथुन राशि से प्रस्थान कर अपनी नीच राशि करक में 22 जून से लेकर 9 अगस्त तक भ्रमण करेंगे। मंगल देव भी सूर्य देव के समान ही अग्नि तत्व ग्रह है। इनका रंग लाल है। पृथ्वी से इनका गहरा रिश्ता है। इन्हें भूमि पुत्र भी कहते हैं। ये स्वार्थ सिद्धि और छल कपट से दूर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी ताकत सामर्थ्य और बाहुबल पर भरोसा करने वाले सदैव युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। मंगल देव ऐसे ग्रह हैं जिनका बल शत्रु के घर में कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि वह अपने अति शत्रु शनि देव की राशि मकर में उच्च अवस्था में माने जाते हैं और कोमल शीतल भावुक ग्रह चंद्रमा की राशि में बलहीन हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कर्क राशि में नीच अवस्था में माना जाता है और कर्क राशिगत मंगल जातक के हृदय में भावनात्मक संवेग लाता है। दोस्तों, देखते हैं दूसरी राशियों पर नीच के मंगल देव का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कन्या राशि की। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, 22 जून से लेकर 9 अगस्त तक मंगल देव आपकी राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं। इस भाव में नीच के मंगल देव की गोचरीय स्थिति बहुत लाभकारी रहेगी। भूमि पुत्र मंगल देव के आशीर्वाद से आपको भूमि, मकान, जमीन जायदाद से लाभ के योग बनेंगे। आपकी आय में भी वृद्धि होगी। भूमि क्रय विक्रय से धन लाभ हो सकता है। मंगल देव की इस गोचरीय स्थिति में मकान से भी आय के स्रोत बन सकते हैं। मकान को किराए पर देकर या अगर मकान पहले से ही किराए पर है तो किराए वृद्धि के योग बनेंगे। आपको अपने भाई बंधु से भी लाभ के योग बनाएंगे मंगल देव। लाभ भाव से मंगल देव की दृष्टि शत्रु भाव पर भी पड़ रही है। आपके शत्रु आपसे भयभीत होंगे, उन पर आसानी से विजय पाने में सफल रहोगे। मंगल देव की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके जोश, ऊर्जा, उत्साह और मनोबल को उच्च बनाए रखेंगे। कन्या राशि के लिए मंगल देव पराक्रम भाव के स्वामी भी होते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी का लाभ भाव में भ्रमण आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। संतान भाव में मंगल देव की दृष्टि से संतान की तरफ से कोई परेशानी पैदा हो सकती है। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से मंगल देव का यह गोचर शुभ रहेगा, परंतु नीच के मंगल देव के कारण जल्दी से किसी पर विश्वास ना करें और अधिक भावुकता से बचें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।